आज एक बार फिर दाबी जी के दूसरे पिकनिक पॉइंट पे जा रहे हैं, जिसका रास्ता ये हमारे ऊपर रेलवे पटरी का पुल है। तो छोटा नूरानी का नाम तो काफ़ी दोस्तों ने सुना होगा और उसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी। तो आज हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। तो ये जुम्मन शाह बाबा जुम्मन शाह बुखारी यानी कि छोटा नूरानी का रास्ता था, तो हम जा रहे हैं सीधा। इससे कुछ ही फासले पे ज़्यादा 5 से 6 मिनट के राइट पे हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये दो बंदे का हमने 50-50 करके मतलब 100 रुपये दिए इनको, 100 रुपये टिकट ले लिया इनसे हमने। बाकी यहाँ पे दोस्तों चश्मा यहाँ से शुरू होता है तो आगे की तरफ पानी इसका जा रहा है, यानी कि चश्मा वहाँ से शुरू हो जाता है, वहीं से पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे यहाँ के लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है कि लेडीज़ अलग जेंट्स अलग। लेडीज़ के लिए वहाँ पे चश्मे का मतलब बीच में से रास्ता निकला, चश्मे का पानी लेडीज़ की तरफ भी जा रहा है। तो लेडीज़ के लिए अगर लेडीज़ अगर आते हैं फैमिली के साथ अपने, तो लेडीज़ के लिए अलग एक नहाने का जगह बना दिया गया है। और यहाँ पे दरगाह शरीफ भी है कि मस्जिद भी है, बहुत सारी सहूलतें यहाँ पे हैं। दाबी जी शेर भी नज़दीक है। तो छोटे नूरानी आप जाते हैं तो छोटे नूरानी से कुछ ही फासले पर ये जगह वक़े आप आ सकते हैं, फैमिली से इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे पानी इतना साफ है कि फिश आपको बिल्कुल पानी के अंदर साफ साफ दिख रहे हैं। फिश तो दिख रहे हैं, देखिए नीचे ब्लैक पत्थर भी हैं वो भी दिख रहे हैं। दोस्तों ये बड़ा पानी है थोड़ा सा, तो यहाँ पे जैसे मेरे उम्र के लड़के, पानी बिल्कुल साफ है। अगर आप किसी वाटर पार्क में जाते हो तो वहाँ पे केमिकल भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये पानी बिल्कुल क्लियर है, साफ और शफाफ चश्मे का पानी है। तो पानी में इंजॉय करके भी दिखाऊंगा आपको मैं। अभी चलो चलते हैं, जगह डिसाइड करते हैं कि कहाँ अपने बैग रखी और कहाँ अपना चादर बिछाएं। वहाँ पे थोड़े डाइव वगैरह मारते हैं, पानी को देखते हैं कितना गहरा है, उससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। कपड़े लेकर आया हूँ नहाने के लिए, इसको चेंज वगैरह करके तो पानी के अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि पानी कितना गहरा है। पानी का शायद ये है यहाँ पे, तो जैसे आप आगे जाते जाओगे तो पानी का शायद बढ़ता रहेगा, क्योंकि वहाँ से पानी चल रहा है तो जगह को पानी ने खोद दिया है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ चले जाता हूँ। आप देख दोस्तों पानी इतना साफ है कि अंदर मछलियाँ भी दिख रही है, देखो बिल्कुल क्लीन पानी है और साफ और शफाफ चश्मे का पानी। तो नहाने भी मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम भी बड़ा टाइट है। पानी का एंजॉय तो कर लिया, चलते हैं कुकिंग की तरफ। भूख भी लगा हुआ है, टायर्ड, तो खाना ही बनाना है, तो कपड़े अपने चेंज करके खाना बनाते हैं। तो मैं इतना अच्छा कुकिंग मास्टर भी नहीं हूँ, तब भी ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। अगर हाथ में जायका होगा तो बेहतरीन बनेगा, अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा। इरादा तो वैसे कढ़ाई बनाने का है, चिकन कढ़ाई।
भी कढ़ाई बनाता हूँ तो पहले गोश्त को भून लेता हूँ। तो मैं इस तरीके से कढ़ाई बनाता हूँ। ये तरीका सही है या सही नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा कढ़ाई बन चुका है, तो आग को जलते रहने देंगे, चाय चढ़ाएंगे इसके ऊपर। दोस्तों भूख इतना तेज लगा हुआ है, कढ़ाई को देख के मुंह में पानी आ रहा है, आप यकीन नहीं करोगे इतना तेज भूख लगा हुआ है। तो दोस्तों सब कुछ तैयार हो गया, अब खा के आपको रिव्यू भी देंगे कैसे बनाया। ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूँगा कि बड़ा बेहतरीन मैंने बनाया है, जो इसका जायका होगा मैं क्लियर आपको वही बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप अगर यकीन करोगे तो पहले तो लकड़ी का खाना है ये, लकड़ी के खाने में ऑटोमेटिक एक जायका होता है। क्यों तो मेरे तरह से मेरा कढ़ाई ओके बना हुआ है, आप कमेंट में बताना कढ़ाई किस तरह बनाए। तो खाना खाते हैं फिर चाय बनाते हैं, थोड़ा सा वेट। तो यहीं से वीडियो को भी एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग पे। मैं हूँ शहबाज अली, अल्लाह हाफिज़।